सो हेलो एवरीवन, सो आज हम करेंगे बटरफ्लाई इंसाइडर्स किक या टोर्नेडो इंसाइडर्स किक। ये मेरी सबसे फेवरेट किक है। अगर आपको ये किक आती है तो ऐसा हीरो जैसी फीलिंग आती है। सो बटरफ्लाई इनसाइड किक करने से पहले आपको इनसाइड किक करना आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको पैर बाहर से लाना है और ऊपर की तरफ उठाना है और आपको आगे ड्रॉप करना है। देखिए, एक बार दिखा रहा हूँ मैं आपको इस तरह से, अंडरस्टूड? फिर से देखो। सो इनसाइड किक करने के लिए आपका जो हिप का जो मूवमेंट है बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, तभी आपकी इनसाइड किक एकदम एक्यूरेसी आ पाएगी। अंडरस्टूड? देखो फिर से, आपको पैर जितना हो सके आपसे पैर ऊपर तक उठाना है आपको और आगे ड्रॉप करना है। अंडरस्टूड? सो इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, जब भी आप किक करो आपका जो फ्रंट लेग है वो आपको इस तरह से टर्न करना है कि आपका पैर नीचे गिर रहा हो ऑन द सेम टाइम। देखिए, जैसे मेरा पैर उठा तो ये फ्रंट लेग है वो टर्न होना चाहिए जब भी आप किक करो, तब इस तरह से, ठीक है। तो आपकी किक और अच्छी तरह से आएगी, एकदम स्पीड से, एकदम स्मूथ आपकी किक बहुत अच्छी लगेगी। देखो इस तरह से, ओके, अंडरस्टूड? सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अभी आपको बटरफ्लाई टर्न लेना है, ठीक है। बटरफ्लाई इंसर्ट की अभी आपको करनी है, ठीक है। अगर आपको बटरफ्लाई का टर्न नहीं आ पाता है, टोर्नेडो टर्न नहीं आ पा रहा है, सो मैंने एक वीडियो बनाया है बटरफ्लाई राउंडर्स किक का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर आपको ये किक आती है तो आपके लिए किक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, आप 10 मिनट में ये किक सीख जाओगे। आपको जो स्पिन है वो एकदम स्मूथली लेना है, आपके हैंड एकदम रिलैक्स होने चाहिए इस तरह से। अंडरस्टूड? जब भी आप टर्न लो तो आपकी जो हील है वो ऊपर होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है, तभी आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो रह पाएगा, ठीक है। इजीली अभी आपको किक करना है, वो सबसे पहले आपको स्पिन करना है इस तरह से। स्पिन करने के बाद आपको यहाँ से जंप लेना है, जितना हो सके पैर उठाने के बाद आपको यहाँ से जंप लेना है। आफ्टर जंप योर टू किक, जैसे हमने टर्न लिया, देन योर टू जंप। लेकिन आपको जंप कब लेना है कि जब भी सपोज हम टोर्नेडो किक करते थे उसमें हम पूरा घूमते थे इस तरह से, पूरा घूमे सामने की तरफ और फिर पैर उठाया एंड देन राउंडर्स किक। लेकिन टोर्नेडो इनसाइड किक में क्या करना है आपको, थोड़ा सा पहले 45 डिग्री पे आओ तब आपको जंप करना है। देखिए, जैसे टर्न लिया हमने, यहाँ से आपको पैर उठाना है एंड देन किक करनी है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको, बस थोड़ा सा पहले आपको जंप देना है, वो आपको जानना है। सो मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप टर्न करो तो बॉडी आपका रिलैक्स होना चाहिए, जो आपका स्पिन एकदम स्मूथ होना चाहिए, हैंड्स को भी आप एकदम रिलैक्स कर दो। एकदम टाइट करोगे तो आपकी किक अच्छी तरह से नहीं आ पाएगी और ना ही आपका जंप इतना ऊंचा हो पाएगा, जंप इतना हायर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको मैं किक करके दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको किक अच्छी तरह से आ जाती है तो आप वो किक पैड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर परफेक्ट किक ऑन अ टारगेट, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा कुछ किक पैड पे, तो आप वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको और अच्छी तरह से आपको आ जाएगी फिर स्पीड एंड एक्यूरेसी। सो आपको ये टोर्नेडो इनसाइड किक बहुत ही पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये किक आ गई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको इस तरह का ऑसम कंटेंट मिलता रहे। और अगर आपको किक करने में कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप SMS कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और वहाँ पे भी हम बातें कर सकते हैं। कोई भी वीडियोस में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ SMS करिए मुझे, ओके। और हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग टाइक्वांडो।